बलांगीर स्थित जेएसएम कॉलेज अध्ययन एवं कार्यकलाप हेतु बलांगीर जिल्लार नंबर वन वाणिज्य कॉलेज भावे छिड़ा हुई आसी। प्रतिवर्ष परे एही वर्ष मध्य कॉलेज समस्त छात्र छात्री माने उत्तम नंबर रखी प्लस टू वाणिज्य 2024 परीक्षा रे उत्तीर्ण होइछन्ते। कॉलेज मोट 36 जन छात्र छात्री परीक्षा देथिबा बेले 27 जन छात्र छात्री प्रथम श्रेणी अधिकार करिछन्ते। 6 जन छात्र छात्री द्वितीय श्रेणी अधिकार करिछन्ते ओ 3 जन छात्र छात्री तृतीय श्रेणी अधिकार करिछन्ते। निधि अग्रवाल 93 शतकड़ा मार्क रखी कॉलेज टॉपर होइछन्ते। से भविष्य एक उत्तम सीए हेबा निमते लक्ष्य रखिछन्ते। खुशबू अग्रवाल 92% मार्क रखी कॉलेज द्वितीय टॉपर होइछन्ते। शिक्षक शिक्षयत्री और पिलामानकर परिश्रम उत्तम फलाफल आसीथिबारु पिलामानकर पितामाता बहुत खुशी अछन्ते। कॉलेज चेयरमैन सीए श्रीकांत शर्मा एवं कॉलेज अध्यक्ष पीतवास पंडा खुशी प्रकाश करी पिलामानकर उत्तम भविष्य निमते शुभकामना करिछन्ती। विगत 8 वर्ष सफलता देखी आशा करा जाए आगामी दिन गुड़ी करे एही कॉलेज रु अनेक राज्य मान्यता छात्र छात्री बाहरिबे ओ बलांगीर पई गौरव आनिबे। हाय, इट्स निधि अग्रवाल फ्रॉम जेएसएम कॉमर्स हायर सेकेंडरी स्कूल and my recently my result was declared and I secured 93%. In 10th I was an average student, like I secured 82%, but now I have improved very much. A huge improvement is there in my result. In 12th I secured 93% because of my college, my teachers, and it's me also. In our college, every festival is celebrated and our teachers are so friendly. They used to help us very much. Whenever I'm a student who have many queries. In every classes, I used to ask many more questions to all the teachers. They used to solve all my queries throughout day and night. And when I was in my home, I used to call my teachers and I used to ask my questions. They used to solve through the calls, phone calls also. They have helped me a lot and I have a huge improvement when I entered in JSM college. And I used to live in a hostel. Hostel facilities is also very good. Like they used to provide us van also to go to college. And there were many more activities. In Sunday we used to have any sports, and in Saturday every morning we used to have yoga. And in our classes we used to have a lot of fun with teachers too. And teachers are very friendly. They taught us in a very friendly manner, and thoroughly they used to teach the chapters. For example, Supriya ma'am, she was the teacher I loved the most because she taught me very well. Practicals, she used to teach us accounts and FMA. She is the teacher that she has helped me a lot in practicals and in theory both. And Monica ma'am, she was our BSM teacher, and Ankita ma'am too. They have supported me a lot. Monica ma'am has supported me a lot, and she used to call me and ask me that did I have any queries, and she used to solve in phone calls. Our Sahu sir, he has completed whole book in 2 months only and revises all the things. And me and Subrat sir, the best teacher, the best math teacher that I have known ever. He used to make funny things in class. He used to make fun. वो पढ़ाते भी बहुत अच्छा थे और मस्ती मजाक भी बहुत करते थे. और एक स्टूडेंट को स्टूडेंट से ज़्यादा हमारे कॉलेज वाले अपने बच्चों की तरह रखते हैं और उनका पूरा बहुत अच्छा केयर करते हैं. सारे फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, सारे एक्टिविटीज़ होते हैं.
बहुत अच्छा ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस इस कॉलेज में बहुत अच्छा रहा है। टीचर्स का भी बहुत मेहनत रहा है मेरे तरफ और मैंने भी खुद ने बहुत मेहनत किया है। टीचर्स मुझे हमेशा पूछते थे कि तुम्हारे अगर कोई क्वेरीज है तो आके सॉल्व करो। हम और हमारे जितने भी कॉलेज में नॉट ओनली स्टडी रिलेटेड बाकी किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम होता था तो हमें वो हमारा सॉल्व करते थे प्रॉब्लम को। जैसे समर्स में अगर हमें जब एसी चाहिए होता था तो हमारे कॉलेज में एसी लगवाया गया, जब हमें कूलर चाहिए होता था कूलर लगवाया गया और हमें जो भी हम जिस भी चीज़ का डिमांड करते थे वो चीज़ हमें हमेशा मिलता था और हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व किए जाते थे। और पढ़ाई तो मेरे कॉलेज का बहुत ज़्यादा ही अच्छा है और मैं तो बोलूँगी कि मेरा काफ़ी ज़्यादा बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ है। वो तो रिज़ल्ट देख के ही पता चल रहा है। एक एवरेज स्टूडेंट एक कॉलेज टॉपर बनना बहुत बड़ी बात है क्योंकि 80% मैं जब आई थी 10th में मेरा रिज़ल्ट 82% था, एक एवरेज स्टूडेंट थी और अभी मेरा रिज़ल्ट तो 93% है तो काफ़ी अच्छा रहा है। ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है एंड अ बिग थैंक टू आर चेयरमैन श्री श्रीकांत शर्मा सर। ही वॉज द बेस्ट चेयरमैन। He has solved all the problems regarding college and hostel both. Thank you, sir. मेरा नाम है अनिल कुमार अग्रवाल। मैं निधि अग्रवाल के पापा हूँ और निधि अग्रवाल जो हमारी बच्ची है पढ़ाई में बहुत मन लगा के करती है और मैट्रिक में भी इसका एवरेज एक 80 से 82% मार्क आया था और कि कड़ी मेहनत से और कॉलेज वालों के मेहनत से उन लोगों का सपोर्ट से जो है मेरी बेटी आज कॉलेज में जीएसएम कॉलेज में टॉपर हुई है। 93% मार्क आया है उसका और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कॉलेज के ओवरऑल टोटल मेंबर को, टोटल स्टाफ को और उसमें हमारे श्रीकांत भाई को, उनका भी बहुत इसमें सहयोग है और अपने फैमिली मेम्बर के जैसे बच्चे लोगों को देखते हैं। हॉस्टल भी उनका जो है बहुत अच्छा है, बच्ची मतलब लड़की गर्ल्स हॉस्टल जो बना रखे हैं बलांगीर में बहुत अच्छा हॉस्टल है और सपोर्ट पूरा सब श्रेय जो है मैं पूरा टोटल कॉलेज को दूंगा। उन लोगों का मेरी बेटी के प्रति बहुत सपोर्ट किए हैं और मेरी बेटी भी जो है मेहनत खूब मेहनत से पढ़ी है। मैं उसके लिए बहुत गर्व महसूस कर रहा हूँ और श्रीकांत भाई को भी बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा जो इतना सपोर्ट किए। मैं तो बोलना ये चाह रहा हूँ कि जेएसएम कॉलेज जो कॉलेज पहले ही खाली कॉमर्स कॉलेज था, अभी जो है आर्ट्स और साइंस में हो चुका है। अब बच्चे लोगों को मैं बोलूँगा कि आप लोग एक बार जेएसएम कॉलेज के बारे में पता कीजिए, बच्चे लोगों से पूछिए और मैं चाहूँगा ज़्यादा से ज़्यादा जेएसएम कॉलेज में एडमिशन लीजिए। वहाँ का पढ़ाई वगैरह भी बहुत अच्छा है, स्टाफ वगैरह बहुत अच्छा है, कोऑपरेटिव है। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग जेएसएम कॉलेज में एडमिशन कर लेंगे, बच्चे लोगों का वहाँ पे भविष्य बहुत अच्छा है, उज्ज्वल है, ये मैं लोगों से कहना चाहूँगा। हाँ, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं खुशबू अग्रवाल ऑफ प्लस टू सेकेंड ईयर कॉमर्स आर्ट्स एंड साइंस कॉलेज और मुझे बोर्ड एग्ज़ाम में 92% मार्क्स मिले हैं जिससे कि मैं बहुत खुश हूँ और मेरे फैमिली वाले भी खुश हैं। टीचर लोग बहुत अच्छे थे हमारे कॉलेज के और अच्छे हैं भी और उन जो पढ़ाते थे मतलब उनके मेथड और स्टाइल पढ़ाने का बहुत डिफरेंट था, मतलब स्कूल से थोड़ा पूरा डिफरेंट था और मुझे ये मेथड और स्टाइल अच्छा लगा। और मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी सारे टीचर्स, नॉन टीचिंग स्टाफ और सीए श्रीकांत शर्मा सर को भी जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया मेरे पढ़ाई में और एजुकेशन में। थैंक यू। गुड आफ्टरनून एवरीवन। आई एम तशनी वफरीन, एन एक्स स्टूडेंट ऑफ जेएसएम कॉमर्स आर्ट्स एंड साइंस कॉलेज एंड माय एक्सपीरियंस हैज बीन रियली गुड। इट वाज वेरी डिलाइटफुल। द टीचर्स हियर आर वेरी एक्सपीरियंस्ड एंड सपोर्टिव जो कि मुझे हमेशा ही सपोर्ट किए हैं एंड मेरा एकेडमिक्स भी काफ़ी अच्छा रहा है। लाइक मैं एकेडमिक्स और जो भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होता था कॉलेज में मैं इक्वल इंपॉर्टेंस ही दिया करती थी दोनों को बिकॉज एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ से तुम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थोड़ा बनोगे। ये सब एक्टिविटीज़ में अगर पार्ट लोगे तो तुम्हारा हर एक फील्ड में ओवरऑल यू विल इम्प्रूव, सो दैट्स द रीज़न। एंड इससे मेरा एकेडमिक्स तो उतना इफेक्ट नहीं हुआ एंड आई एम वेरी थैंकफुल फॉर दैट। एंड मैं पहले तो साइंस लेने वाली थी, इट वॉज माई फर्स्ट ऑप्शन, लाइक माई फर्स्ट डिसीजन वॉज टू टेक साइंस एंड गो फॉर अ मेडिकल फील्ड।
बट ऑल ऑफ सडन सब चेंज हो गया. फिर मैं कॉमर्स ले ली एंड माई फर्स्ट चॉइस वॉज JSM कॉमर्स कॉलेज एंड आई टुक एडमिशन इन इट एंड इट वॉज वन ऑफ माई बेस्ट डिसीजन ऑफ माई लाइफ बिकॉज मैं इस दो साल में अपने आप को देख पा रही हूँ कि मैं कितना ज़्यादा ही इम्प्रूव कर पाई हूँ. लाइक इफ़ आई गो बैक एंड सी माई सेल्फ टू ईयर्स बैक देन आई वॉज अ वेरी इंट्रोवर्ट किड जिसके पास कोई टैलेंट नहीं था एंड मेरा उतना एकेडमिक्स भी अच्छा नहीं हुआ करता था. सो हाँ मेरा बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ है एंड ऑल थैंक्स गोज टू द टीचर्स एंड नॉन टीचिंग स्टाफ्स एवरी वन सपोर्टेड मी इन माई टू ईयर्स जर्नी एंड आई एम वेरी थैंकफुल फॉर दैट. थैंक यू. मैं अपने डायरेक्टर मैम एंड चेयरमैन सर को भी थैंक यू बोलना चाहूँगी. थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी एंड अभी तो मैंने डिसाइड किया दैट आई विल गो फॉर CA एंड अभी CA फाउंडेशन का क्लासेस भी स्टार्ट कर दी हूँ. सो आई होप कि मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट में ही सब कुछ हो जाए, कुछ ऐसे बैक नहीं लगे, अटैम्प्ट ना लगे ज़्यादा. एंड आई बिलीव इन माई सेल्फ, आई बिलीव दैट आई विल डू माई बेस्ट. थैंक यू.